हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज अपन चलते हैं कुब्रिजपुर धाम सीहोर, बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने भी मोबाइल नहीं उठाया था बहुत दिनों से, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज चलते हैं अपन कुब्रिजपुर धाम। पहुंच चुके हैं कुब्रिजपुर धाम। यह है ब्यास सीट। तो गाइस ये है बाबा के बैठने की गद्दी। जो लोग एमपी में रहते हैं बहुत, तो बहुत घूम लिया है सीहोर। जो एमपी से बाहर रहते हैं वो भी आए दर्शन करके जाएं, बड़ा अच्छा मंदिर है। ये है बाबा का। जय हो शंभू, ब्रह्मा भोले। सचिन वर्मा जहाँ कहीं भी हों ऑफिस के अंदर आए, सचिन वर्मा गुड वेल सबका हो तो कार्यालय में आकर जमा करें। तो गाइस ये है शिला। शिव शंभो। तो गाइस ये है शिवलिंग। शिवलिंग के नीचे है गुफा। नमः शिवाय। अभी शिवलिंग बंद है, अभी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को अभी। बाकी बहुत अच्छी गुफा है, ये बन के तैयार है, बहुत काम हो रहा है इसके अंदर। तो अभी कुछ दिनों में चालू होगी। ये है बाबा का बैठने का स्थान। तो गाइस मम्मी को जगह ही नहीं मिल रही चढ़ाने की, मम्मी खड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ पे हो रही है बहुत धूप, दर्शन हो गए मेरे, मम्मी के नहीं हुए तो मम्मी बैठी हुई है। अब अपन चलते हैं प्रसाद लेने, वहाँ पे प्रसाद बट रहा है, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं। गाइस वो मिल रही है, वो खाते हुए पूरी लेगा क्या? तो गाइस ये है, यहाँ पे होती है कथा। और प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद होता है। ये देखिए यहाँ होती है, बैक साइड है ये पूरा, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं उस साइड, क्या हो रहा है देखते हैं। तो गाइस अपन चलते हैं एक कंकड़ लेने, बोलते हैं कंकड़ में शंकर। तो लेके आते हैं एक कंकड़, कहाँ मिलेगा देखते हैं, शायद वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा देखते हैं। एक कंकड़, ओ बहुत सारे हैं, ये देखो कंकड़ की पूछ पे खड़े मनोकामना से भी बांध जाते हैं। ये देखिए गाइस इतने सारे, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कुछ क्वेश्चन खिलाने
क्योंकि कुछ लोग उठ रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, इसमें निवेदन रहेगा ना सावधान रहे, लापरवाही ना करें, कृपया सावधान रहे। शिला के पास में रुद्राक्ष से उत्तरण बंद है, बाइक से सूचना दी जा रही है, रुद्राक्ष से उत्तरण बंद है, आगामी वितरण जब भी चालू होगा कथा के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, रुद्राक्ष से उत्तरण बंद है। तो गाइस अपन ने तो ये बना दिया ये वाली, और एक पत्थर घर के लिए लेके चलते, ये दो दो घर के लिए लेके चलते हैं। तो गाइस मम्मी ने भी यहाँ बना दिया है छोटा सा, और वो देखो बहुत खतरनाक बनाया है किसी ने। सब बनाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। अरे चला दो, हमारा मंदिर भी बन चुका है। ये मकान में दुकान में गाड़ी में लगाइए, घर के मुख्य द्वार पे लगाइए, श्री शिवाय नमः करके बड़ा जाप लगाइए। ये देखिए गाइस, ये भोले बाबा का जाप है, श्री शिवाय नमः करके। तो गाइस अपन ने घूम लिया, अब निकलते हैं घर, हम घर चलते हैं, रास्ते में देखते हैं। तो गाइस चलते हैं घर, सोचा था घर जाएंगे लेकिन घर ना जाते हुए रास्ते में पड़ता है सिद्धिविनायक मंदिर। अपन को जाना था राइट, लेकिन अपन चलते हैं सीधे वहाँ पे, करेंगे सिद्धिविनायक जी के दर्शन, फिर चलेंगे घर। अपन को वैसे तो जाना था अगर, लेकिन अपन सीधे चल रहे हैं, तो फिर वहाँ से दर्शन करके फिर चलेंगे अपन घर। तो ये पहुँचने वाले हैं अपन सिद्धिविनायक, फाइनली अपन पहुँच चुके हैं सिद्धिविनायक सीहोर। तो गाइस अपन पहुंच गए सिद्धिविनायक, श्री गणेशाय नमः। यह है बरगद का पेड़, बहुत पुराना। ओम नमः शिवाय। तो गाइस फाइनली घूम लिया है, अब चलते हैं घर, बढ़िया अच्छी जगह। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।